Oh सहनाववतु सहनौ नौ भुन सह वी करवावह तेजस्वी तमस्तुमा विदिषाव ओ शाति 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 आज क्षमा नाम के गुण की चर्चा करेंगे क्षमा जिसके पास है वो क्षमी है क्षमा का एक साधारण अर्थ लेते हैं, ने माफ कर देना जाओ तुम्हें माफ कर दिया क्षमा का अर्थ शंकराचार्य जी कहते हैं, चित्तस्य निर्विकारता मतलब कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ गई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई या किसी ने मेरे साथ असभ्य वर्तन किया मुझे अनुकूल लगे ऐसी बातें नहीं कही है तो ऐसा करते हुए भी मन में कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता चित्त निर्विकार ही रहता है यह क्षमा का सर्वोत्तम लक्षण है मतलब सामने वाला मुझे असभ्य बातें मेरी निंदा कर रहा है पर मन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा है ये क्षमा है ऐसा होता है क्या संतों में तो देखते हैं एक नाथ महाराज जी का बहुत सुंदर उदाहरण है एक नाथ महाराज जी बड़े मतलब अभी काफ़ी नाम भी हो गया था समाज में उनका तो जिनका नाम होता है तो उनके द्वेषी भी निर्माण हो जाते हैं आ ही जाते कुछ ना कुछ लोग तो हो ही जाते जिनको पसंद नहीं आते हैं तो एक नाथ जी ऐसे ही एक प्रातः समय स्नान करने के लिए गोदावरी जी में जा रहे थे तो स्नान हो गया उनका तो एक मनुष्य राह देख रहा था उनकी तो जब स्नान करके आए तो उसने उनके ऊपर थूक दिया तो एक नाथ जी ने कुछ नहीं किया फिर से वापस गए वो फिर से स्नान करके आ गए तो उसने फिर से थूक दिया तो ऐसा कहते हैं कि 108 बार आ, उसने वैसा किया फिर बाद में उसका मुंह दुखने लगा या मन में <laughs> क्या कहते हैं पश्चाताप की भावना हुई कि वह एक नाथ जी महाराज के पैर पढ़ करके माफ़ी मांगने लगा तो एक नाथ जी महाराज कहते हैं कि अरे तुम्हारी वजह से आज मुझे इस पवित्र नदी पे नदी में 108 बार स्नान करने का मौका मिला तो मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए तो ऐसी वर, ऐसा वर्तन होने पर भी महात्माओं के चित्त में कोई विकार नहीं आया ये क्षमा का सर्वोत्तम स्वरूप है तो अगर विकार ही नहीं है तो किसी को माफ क्या करेंगे किसी को क्षमा नहीं कर सकते क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं ना? हाँ, क्षमा का दूसरा जो गौण अर्थ है फर्गीवनेस जिसको हम कहते हैं कि मन में विकार आया है मन में क्रोध आया है पर फिर उस क्रोध को मैं क्रियान्वित नहीं करता उस क्रोध को या उस विकार को मैं सहन कर लेता हूं तो यह गौण क्षमा है किसी ने मुझे बुरा कहा और उसको अच्छा नहीं लगा मुझे बुरा लगा बुरा कहा तो बुरा भी लगा पर फिर मैंने जैसा बुरा लगा वैसा व्यवहार नहीं किया उसके साथ तो वह यह गौण स्वरूप है विकार को कैसा कहेंगे क्रियान्वित नहीं किया क्रियान्वित नहीं किया मतलब विकार के अनुसार मैंने कर्म नहीं किया विकार को मैंने कर्म के द्वारा अभिव्यक्ति नहीं दी तो इस पर कोई सवाल करते हैं कि अगर व्यक्ति क्षमा का गुण मतलब सारे लोग अगर क्षमा का गुण अगर बढ़ाने लगे तो दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट होने लगेगा क्योंकि उसको तो पता है कि ये ये तो मुझे माफ कर देगा तो ऐसा नहीं है क्षमा का अर्थ है कि किसी ने गलत काम किया तो चित्त में कोई बेचैनी चित्त में कोई भाव उत्पन्न चित्त में कोई प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है पर अगर उसने गलत काम किया है तो उसको दंड देने का अगर तुमको अधिकार है तो उसकी मनाई नहीं है मतलब अगर कोई व्यक्ति है उसने गलत काम किया है तो उसको दंड देने का भी विधान है पर फिर दंड में क्षमा वृत्ति होनी चाहिए दंड में प्रतिशोध की वृत्ति नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा होता तो गुरु अपने शिष्य को कभी दंड ही नहीं दे पाता गुरु अगर शिष्य को दंड दे रहा है तो गुरु में वृत्ति भी है और शिष्य के प्रति हित भावना भी है करुणा भी है तो क्षमा का मतलब क्षमा यह भाव का नाम है कर्म का नाम नहीं है बाहर व्यक्ति कठोर दिख सकता है उसको दंड भी दे सकता है पर अंदर उसके प्रति द्वेष नहीं है अंदर उसके प्रति प्रतिशोध नहीं है यही हमने देखा था ना शत्रु बुद्धि विनाशाय शत्रु को दंड दो पर शत्रु को दंड देने स, देते समय शत्रु बुद्धि नहीं होनी चाहिए यह क्षमा का स्वरूप है तो क्षमा मतलब किसी को दंड नहीं देना है ऐसा नहीं है समाज नहीं चलेगा अदरवाइज दंड देते हुए भी हित भाव पीछे होना चाहिए दंड देने के पीछे करुणा होनी चाहिए जिसमें क्षमा नहीं है फिर वह प्रतिशोध लेता है इसकी मनाई है प्रतिशोध लेने की मनाई है दंड देने की मनाई नहीं है तो अर्जुन ने प्रतिशोध नहीं लिया रिवेंज रिवेंज नहीं लिया अर्जुन ने अर्जुन ने धर्म धर्म कर्तव्य किया है स्वधर्म किया है दुर्योधन से दुश्मनी है तो ईट का जवाब पत्थर से ऐसा नहीं था अर्जुन का भाव ऐसा नहीं था अर्जुन का भाव कर्तव्य का था और कर्तव्य भाव कर्तव्य कर्म के पीछे कर्तव्य भाव था कर्म के पीछे क्षमा वृत्ति थी द्वेष वृत्ति नहीं थी तो ये बहुत बड़ा गुण है ये वृत्ति को कैसे बढ़ाते हैं तो एक उपाय एक सुंदर उपाय है आत्मीयता बढ़ा करके आत्मीयता जो जिस व्यक्ति को मैं अपना कहता हूँ जिस व्यक्ति को मेरा करके मैं कहता हूँ उसके प्रति विकार कम उत्पन्न होते हैं मतलब अगर कोई बालक अपने माँ बाप को पैर मारता है तो उसके प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं होती है हम तो कहते था, अब तो ये बहुत शैतान हो गया है प्यार से कहते हैं तो क्योंकि उस बच्चे में अपनत्व है तो हमारा शास्त्र तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है बड़े बड़े गुण हैं समय भी लगेगा पर आइडियल ऐसे होने चाहिए कि आत्मीयता जब बनने लगती है तो क्षमा वृत्ति अपने आप बनने लगती है जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं लव दाई नेबर तो यही है अगर प्यार करने लोगों को लोगों से तो चित्त में द्वेष प्रतिशोध का भाव जागृत नहीं होगा क्षमा इतनी बड़ी वृत्ति है ये वृत्ति कि ये सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करती है मतलब सामने वाला जैसा भी व्यवहार कर रहा है एक तो मैं अपना कंपोजर मैं अपनी मनस्थिति को खोता नहीं हूँ विकार नहीं है और क्षमा वृत्ति मुझे सामने वाले को उस के स्वरूप में स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त करती है मतलब क्षमा अगर है तो मुझे सामने वाले को बदलने की इच्छा नहीं होती वो अगर स्वयं से बदल कोई किसी को बदल तो नहीं सकता है स्वयं से बदल रहा है तो ठीक है पर मुझ में ये मुझ में यह भाव नहीं उत्पन्न होता है कि इसको कैसे बदले इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करें कि यह फिर बदलना मतलब क्या होता है ये बदल गया है इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बदल गया है इसका मतलब क्या है कि वो मेरे अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है दैट्स वॉट इट्स मीन तो जब पहले उसका या ऐसा कहो कि पहले उसका व्यवहार मुझे अनुकूल लगता था अभी उसका व्यवहार मुझे अनुकूल नहीं लगता है तो काफी बदल गए हो तुम अब तुम पहले के जैसे नहीं रहे क्षमावृत्ति क्या करती है कि उसको उसके हिसाब से जीने की स्वतंत्रता देती है क्षमा में किसी को परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रहती तो एक क्षमावृत्ति है तो एकमोडेटिव नेचर होता है व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति को वह स्वीकार कर लेता है तो यह आत्मीयता जितनी ज्यादा होगी आत्मीयता मतलब ममत्व नहीं है आत्मीयता का मतलब क्या करेंगे क्या करेंगे आत्मीयता का मतलब जो हमने पिछले बार देखा था ना कि इसमें भी प्रभु है हर एक जीव प्राणी में प्रभु निहित है प्रभु विराजमान है इसीलिए वह हाँ समदृष्टि इसीलिए वह मेरे ही है मेरे प्रभु ही है ऐसा भाव जितना ज्यादा लोगों के प्रति बनेगा उतना ज्यादा हम उनको स्वीकार करने का सामर्थ्य बना पाएंगे और एक क्षमा का उपाय है कि व्यक्ति बहुत लक्ष्य प्रेमी होना चाहिए लक्ष्य निष्ठा जितना ज़्यादा वो लक्ष्य से प्यार करेगा उतना ज़्यादा मन में विकार आएंगे तो उतने जल्दी चले भी जाएंगे मतलब अगर किसी को कोई बिजनेसमैन है तो उसमें क्षमा काफ़ी होती है क्योंकि तो उसको अपना व्यापार बढ़ाना है तो कस्टमर कितना भी दिन में दस कस्टमर उसको गाली देकर के चले जाए पर फिर भी उसके शॉप में लिखा रहता है कस्टमर इज किंग गॉड तो महान है ये तो सामने वाला कितना भी बोल रहा है मन में एकदम निर्विकारता रहती है क्यों क्योंकि उसको कस्टमर से लेना देना नहीं ना उसको तो अपने लक्ष्य से लेना है ओम पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णत् पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादायवशिष्य ओम शांति शांति शाति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम